आप देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जिला रामपुर से। जिला रामपुर से खबर यह आ रही है कि आजम खान जो हैं उनको लैंड माफिया घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आजम खान को जो है वो भू माफिया घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब उनके खिलाफ जो है वो आगे की कार्रवाई हो सकती है और इस कार्रवाई के तहत वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। ये मामला बीते दिनों का है, बीते एक हफ्ते में 12 से ज्यादा जो केसेस हैं वो आजम खान के खिलाफ दर्ज कराए गए हैं। 25 से ज्यादा किसानों ने शिकायतें दर्ज की हैं कि आजम खान ने जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो जबरन उनसे उनकी जमीनें हथिया ली, जबरन उनसे उनकी जमीनों के साइन करा लिए और उनको डरा के धमका के उनकी जमीनें ले ली। ये मामला जो है ये रामपुर में चल रहा है। 2017 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट रामपुर में आई तो उसने जो है इस मामले की छानबीन शुरू करी और उन्होंने ये पाया कि रामपुर की जो जमीनें हैं, खासकर जमीनें जो के जौहर यूनिवर्सिटी के पास हैं, वहां पर जो है बहुत से किसानों की जमीनें जो हैं वो जबरन हथियाई गई हैं। किसानों ने जो है वो शिकायत की थी उस वक्त भी कि उनकी जमीनें जो हैं हथियाई गई हैं। आजम खान ने सीओ के साथ मिलकर, आले हसन के साथ मिलकर इन जमीनों पर कब्जा किया है। अब 2019 में जबकि गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है तो फाइनली आजम खान को भू माफिया जो है वो घोषित कर दिया गया है, यानी कि अगर कार्रवाई होती है तो आजम खान की गिरफ्तारी हो सकती है। आजम खान के साथ साथ सीओ की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जो उस वक्त सीओ थे आले हसन, हालांकि उनका जो बेटा था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी मामले में आजम खान का कहना यह है कि मुझे फंसाया जा रहा है। आजम खान का कहना यह है कि सरकार ने जितने भी केसेस हैं, वो जितने भी केसेस प्रशासन ने उनके ऊपर डाले हैं वो सब बेबुनियाद हैं, उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। आजम खान ने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं क्योंकि एक एक इंच का बैनामा मैंने कराया है। जी, आजम खान का कहना यह है, सारी जमीने जो है उनके बैनामे हैं, एक एक जमीन का, एक एक इंच जमीन का जो है उन्होंने भुगतान किया है। हालांकि भुगतान चेक के द्वारा किया है, लेकिन उन्होंने जमीनों को हथियाया नहीं है, जमीनों को उन्होंने जबरन कब्जा नहीं किया है, यह आजम खां का कहना है। तो अब ये प्रशासन वर्सेस आजम खां के बीच की भी लड़ाई है जो कि अब से नहीं, काफी पहले से सुनने में आ रही है। तो अब देखना यह है कि अगर ये मामला दर्ज हो गए हैं और वाकई लैंड माफिया के पोर्टल की पुष्टि कर दी है कि हाँ उनका नाम लैंड माफिया पोर्टल में डाल दिया गया है, तो क्या आगे की गिरफ्तारी में आजम खान, आगे के प्रोसेस में, आगे की कार्रवाई में आजम खान गिरफ्तार होंगे? अगर होंगे तो फिर आगे क्या होगा, और अगर नहीं होंगे तो फिर जो किसान हैं और जिन लोगों ने कंप्लेन की है तो वो आगे क्या प्रोसेस करते हैं, कहां जाते हैं वो? तो कुछ ही दिनों में ये जो सूरत है वो साफ हो जाएगी। आगे की खबरें भी हम आपके लिए लाएंगे। आप बने रहिए द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।